हेलो, वेलकम टू माय चैनल बिग गाइड। इससे पिछली क्लास में मैं आपके लिए हिंदी पैडागोजी का टॉपिक उपचारात्मक शिक्षण लेके आई थी और आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न लाई हूँ। लेकिन इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर पसंद आए तो, और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्या की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका जो मेन फोकस होता है कि बच्चों के समस्याओं के सही कारण को हम पहचान सकें। मैं आपको वीडियो में बता भी चुकी हूँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि समस्याओं के कारण की पहचान करना ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है, क्योंकि तभी हम सही उपचार कर पाएंगे। सेकेंड है, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों में भाषा प्रयोग के एक समान कुशलता विकसित करें, सभी बच्चों में समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें। देखिए, समान रूप से गृह कार्य देना और समान रूप से प्रश्न पूछना सही उपचार नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है और उनकी कुशलता भी अलग अलग है, तो एक ही तरीके से हम सभी बच्चों को नहीं देख सकते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि हम सभी बच्चे की जो है भाषाई क्षमता को पहचाने, क्योंकि वो अलग अलग परिवेश से आए हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागनी हमेशा हैडपम्प को चापाकल बोलती है, तो एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? रागनी को समझाएंगे कि चापाकल नहीं है, हैडपम्प है। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैडपम्प को चापाकल कहा जाता है। उसे डांटेंगे, उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 और 4 हम पहले देख लें, जो ऑड ऑप्शन है उसे हम पहले देख लेंगे ताकि वो कट करके हमारे पास जो सही ऑप्शन है उससे हम सही आंसर सिलेक्ट कर सकें। तो देखिए, डांटना तो है ही नहीं, डांटना तो गलत तरीका है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। और उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ध्यान ना देना सही ऑप्शन नहीं है। रागनी को समझाएंगे कि ये चापाकल नहीं है, इससे क्या होगा कि बच्चा सीखेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं हो सकता। सेकंड है कि हम अदर बच्चों को बताएंगे कि हम हैडपम्प को चापाकल भी कहते हैं, इससे क्या होगा कि बाकी बच्चों के शब्द की जो शब्दकोश है वो बढ़ेगा और रागनी की भाषा को भी जो है कक्षा में स्थान मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार डांटने से बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, बच्चे अपने त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो देखिए, बच्चों को बार बार की गलतियों पर डांटने से क्या होता है, बच्चा जो है वो सामने नहीं आता, वो बोलना छोड़ देगा, उसका आत्मविश्वास ख़त्म हो जाता है। त्रुटियाँ ख़त्म होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि बच्चा खामोश हो जाएगा, बोलना ही छोड़ देगा, तो वो गलतियाँ बार बार नहीं करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चा धीरे धीरे खामोश होने लगे। ऑप्शन नंबर 5 पे आते हैं, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो देखिए, जो निदानात्मक परीक्षण है उसका जो उद्देश्य होता है इस चीज़ का पहचान करना कि बच्चों को कठिनाइयाँ किन कारणों से आ रही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि ऐसे ही बोलना है। कक्षा के बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे।
तो देखिए, नमूने सुनाकर और बच्चों के अभिव्यक्तियों को सुनाकर जो है कलिका की परेशानी दूर नहीं होगी, क्योंकि कलिका बोलते वक्त जो है असहजता महसूस करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वो जो अटकती है बार बार उस चीज़ में सुधार हो पाए, वो बोलते वक्त सहज भाव से बोले ताकि अटकने की जो है संभावना कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक भाषा का आंकलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे पहला शब्द रटवाना, दूसरा प्रश्नों के उत्तर पूछना, तीसरा विभिन्न संदर्भों में बातचीत, चौथा सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। देखिए, शब्द रटवाना ये तो सही तरीका है नहीं, रटवाने से कुछ नहीं होता। तो रटवाना जो है जो शिक्षण की जो सही जो है तरीका नहीं है। सुने हुए को दोहराना भी सही नहीं है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, इससे भी कोई जो है हम सही आंकलन नहीं कर पाएंगे। तो जो सही आंकलन है वो तभी हो पाएगा जब हम अलग अलग संदर्भों में बच्चों को बोलने के लिए कहेंगे। तो मौखिक सही आंकलन विभिन्न संदर्भों में बातचीत से ही किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य है वर्तनी की शुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आंकलन, भाषा के व्याकरण का आंकलन करना, मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आंकलन करना, पढ़कर समझने की क्षमता का आंकलन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है कि जो सतत व्यापक आंकलन क्यों किया जाता है, ताकि इससे हम ये पता लगा सकें कि मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता कैसी है बच्चों में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही ऑप्शन है कि मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आंकलन करना ही भाषा में सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो देखिए, गृह कार्य देना आवश्यक है ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड है अभिभावकों को व्यस्त रखने का साधन, तो अभिभावकों को व्यस्त रखना हमारा उद्देश्य नहीं है। फोर्थ है ऑप्शन गृह कार्य में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र, गृह कार्य अभ्यास मात्र है तो ये भी चीज़ गृह कार्य के बारे में उचित नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है कि बच्चों की क्षमता और स्तर के अनुसार ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ये सही है कि बच्चे का जो क्षमता है, बच्चे का जो स्तर है, उसी के हिसाब से बच्चे को काम दिया जाए ताकि वो उसको कर सके। चलिए अपने अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पे, भाषा नियम के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य ही होता है समस्याओं का समाधान करना, तो उसकी सफलता किस बात पर निर्भर करेगी कि हम समस्याओं का सही पहचान कर सके। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वो सही है कि बच्चों की समस्याओं का सही पहचान करना ही सही होगा। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो जो है यहीं ख़त्म होता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।